ना फिर मंगवाई लिस्ट तो क्यों नहीं चलाई? मजदूर गरीब सड़कों पे चल रहा है और आप लोग सियासत कर रहे हैं? ये तेज सिस्टम ने केवल घुमा रहे हैं बातों को, आप भी अच्छे से जानते हैं, सबको अपने घर पहुंचाया। आज आपने तय किया है तीन मजदूरों को हमें ऐसे घुमाते रहना सड़क पे, मर जाएंगे सड़क पे। मैं वही तो कह रहा हूं, टिकट पोस्टरिंग करनी है और यहाँ पर बसें चलने नहीं देनी है, मजदूर का कहीं भला ना हो जाए। लेकिन जो लिस्ट सही है, अगर 879 बसें हैं सही, उन बसों में लोगों को क्यों नहीं भेजते? और वो भी SDRF स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। घुमा दिया ना सवाल का, उनको सवाल का जवाब घुमा दिया ना, नहीं है जवाब, नहीं घुमाया। हाल ही में यूपी में बसों को लेकर एक विवाद काफी सुर्खियों में है। कांग्रेस द्वारा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए यूपी सरकार से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी गई थी। यूपी सरकार ने पहले तो अनुमति दे दी, फिर भी बस चलने में दिक्कत हो गई क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कुछ बस अनफिट थी, जिसके बीजेपी ने आंकड़े दिए कि कुछ 200 के करीब बसें अनफिट है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 200 के करीब बसें अनफिट हैं, तो बाकी की बसें जो फिट हैं, उन्हें क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? इस बार ये सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया ने सरकार के नुमाइंदों से पूछा है। बीजेपी सरकार मजदूरों की ना सोचकर सियासत करने में बिजी है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी वीडियो मैसेज में कहा है कि बीजेपी बसों पर अपने पोस्टर और झंडे लगा ले और बसों को चलने की अनुमति दे दे ताकि वह घर जा सके। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इन पे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे पर मजदूरों का पक्ष लेते हुए डिबेट सरकार के नेता से तीखे सवाल किए हैं। न्यूज 18 पर बसों के मुद्दे पर हो रही डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से सवाल कर ये पूछा कि आप बसें चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे। इस पर वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। बहुत सारी जो अनुमान थे वो बिगड़े, और कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, सबकी सहमति से लॉकडाउन बढ़ा। एक सेकंड, जी जी, मैं जब लॉकडाउन बढ़ाने के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, लॉकडाउन आपने बढ़ाया। मेरा सवाल है अगर लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बस क्यों नहीं चलाई? क्या दांव उल्टा पड़ गया था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके साथ वही खेल खेला जो आप कांग्रेस के साथ पिछले 6 साल से खेलते आए हैं। आपको अपनी दवाई दे दी उन्होंने, आपने बसों की लिस्ट मंगवाई, उन्होंने बसों की लिस्ट दे दी, फिर आप चक्कर में पड़ गए कि बसें चलाए ना चलाए। मैं जब इन्होंने लिखा तुरंत योगी जी ने स्वीकार किया, कहा नहीं दीजिए हम लखनऊ पे, क्योंकि बहुत से लोग 20,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, मंगवाई लिस्ट तो क्यों नहीं चलाई? फिर इन्होंने कहा मजदूर गरीब सड़कों पे चल रहा है और आप लोग सियासत कर रहे हैं। फिर बसें नहीं थी, बस की जगह इट इज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम एनी पार्टी। एम्बुलेंस था, पहले लिस्ट मंगवाई शानवाजी, एक एक करके बात करते हैं शानवाजी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लिस्ट मंगवाई तभी तो लिस्ट भिजवाई गई। देखिए, जो जांच की गई, पहले कहा ना कि लखनऊ में डीएम रात में 3 बजे तक इंतजाम करते रहे, कहां बस खड़े होंगे आप मजदूरों के लिए खड़े हैं ना? ये देखिए, मुझे जवाब तो दे सकते हैं, मैं तो शानवाजी जवाब देने दे रहा हूँ आपको पूरा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, आप मुझे एक बार बोलने, मैं तो शानवाजी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप मजदूरों के लिए परेशान हैं, इसमें क्या कहते हैं आप? हाँ या ना? एक सेकंड, एकदम आप मजदूरों के लिए परेशान हैं या ना? हमारे हाँ, हम मजदूरों के लिए परेशान हैं। तो फिर बस क्यों नहीं चलाई? बस को ना क्यों करा? अगर मजदूरों के लिए शानवाजी परेशान हैं आप, तो मजदूरों के लिए बस को ना क्यों करा? आज तक पर मजदूर और बसों के मुद्दे पर हो रही डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से पैदल चल रहे मजदूरों की परेशानियों पर कुछ सवाल किए। संबित पात्रा ने बातों को इधर उधर घुमाया ना शुरू कर दिया, पर सही से जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस की लिस्ट में घोटाला है तो आपके दस्तावेज में भी घोटाला है सर। आप लोगों के घोटाले के चक्कर में सर वो आम आदमी क्यों मार खाए? मजदूर जो बेचारा सड़क पे धक्के खा रहा है,
आप भी समझते हैं राजस्थान के परिवहन की बसेस को चलाने के लिए राजस्थान की सरकार और यूपी की सरकार को दोनों को मिलित कार्यवाही करनी पड़ेगी। राजस्थान के परिवहन की बसें अगर AICC किराए पर लेकर आपको दे रही है तो आपको आपत्ति क्या है? आपको अगर शादी में जाना हो तो किराए पे बसें लेते हैं कि नहीं? टूरिज्म की भी और परिवहन की भी, और ऐसे ही मजदूरों को उठाने के लिए अगर वो परिवहन की बसें लेकर दे रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है इस पे? मैं आपको मैं, बस में बैठने से मतलब है, आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे और कहेंगे देखो मजदूरों को मार दिया। 12,000 बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है रोहित जी, 12,000 बसेस, 800 से अधिक मजदूर अभी मर रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ रही है, हर रोज खबरें आ रही हैं सर, कितने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। लड़की अपने बाप को बैठा के 1700 किलोमीटर साइकिल चला के ले गई सर, आपको पता है? और आप लोग कागज मांग रहे हैं सर। चिंताजनक विषय, उसका अर्थ ये नहीं मत होने दीजिए ना सर, बस चला दीजिए। थोड़े से सिस्टम को आप तेज नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि सिस्टम की फीताशाही की वजह से ये रुक रहा, कागज नहीं होने की वजह से ये रुक रहा सर, थोड़ा तेज कर लेते चीजों को। रोहित जी आपने जवाब, अगर आप आधी रात को उनकी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं, वो आधी रात को आपकी चिट्ठी का जवाब दे रही है सर। सिस्टम की तेजी तब पता लगती जब आधी बसें चल जाती कम से कम। रोहित जी चली नहीं संबित जी, तेज सिस्टम ने केवल घुमा रहे हैं बातों को, आप भी अच्छे से जानते हैं, सबको अपने घर पहुंचाया आज आपने तय किया है। सिस्टम बिल्कुल तेज को हमें ऐसे घुमाते ही रहना सड़क पे, मर जाएंगे सड़क पे, साइकिलों पे धक्के खाएं, पैदल इनकी टांगे टूट जाएं, इनकी लाशें गिर जाएं, ये ट्रकों के नीचे कुचले जाएं, हम इनको घुमाते रहेंगे ऐसे ही, बिल्कुल ये आपने तय किया, बिल्कुल नहीं। ABP न्यूज पर एंकर रोमाना ने BJP नेता सिद्धांशु त्रिवेदी से कुछ सवाल किए कि वह बसों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। इस पर सिद्धांशु भड़क उठे। रोमाना ने पलटवार करते कहा कि आप योगी जी से सवाल कीजिए, उन्होंने अनुमति क्यों दी। पहला सवाल मेरा सुधांशु जी आपसे है सर, बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, ये बता दीजिए, मजदूरों को जवाब दे दीजिए, आज चलेंगी ये बसें या नहीं चलेंगी? सर सारी राजनीति तो इसमें है, सर सारी राजनीति तो इसमें है कि हर कोई बात सेवा भाव की करता है, लेकिन यहाँ सियासत सबकी तरफ से की जा रही है, पैदल मजदूर किसी को नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस की बस आपको नजर आ रही है। मैंने तो सर रोमाना जी बस बॉर्डर पर खड़ी है, चुनौती के साथ मैंने कहा बस बॉर्डर पर खड़ी है सर, प्रावधान बता दीजिए सर जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लेटर पर ब्लैंकेट परमिशन दी जा सके। नहीं सर, जितने भी बैठे सर, सर आप तो मुझे ये बता दीजिए कि परमिशन देनी नहीं थी, बता दे, आप मुझे ये बता दीजिए अगर ये परमिशन देनी नहीं थी जो प्रावधान आप रोमाना जी बताइए ना, ये प्रावधान आप योगी जी से पूछिए ना सर, उन्होंने क्यों इजाजत दी कि हाँ 1000 बसें चला लो, हमारी तरफ से इजाजत है, आप तो बस ये जवाब दीजिए। फिर योगी जी ने क्या देश को गुमराह किया जो उन्होंने कहा कि हाँ हमने 1000 बसें चलाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं चलाइए, क्यों दी योगी सरकार ने परमिशन? मैं आपसे तो ये कह रही हूँ, ये सवाल आपको योगी जी से पूछना चाहिए ना, उन्होंने परमिशन क्यों दी? वही तो वो पूछ रहे हैं भाई, हमें फिर एक-एक भाई आपको योगी जी से हमारे सारे सर्टिफिकेट चाहिए कि योगी जी आपने परमिशन क्यों दे दी 1000 बसें चलाने की, जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं तो आपको वहाँ पूछना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी है और यहाँ पर बसें चलने नहीं देनी है, मजदूर का कहीं भला ना हो जाए सर, मुझे चर्चा आगे बढ़ानी पड़ेगी। News24 पर एंकर संदीप चौधरी ने मजदूरों की बात करते बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से सवाल किए, जिस पर वे ठीक से जवाब ना दे पाए और बातों को इधर उधर घुमाने लगे कि कांग्रेस को पैसा देना पैसा दे दीजिए। आपने 5 खेप रोज 2-2 घंटे निर्मला सीतारमन हमें पहले बजट का पाठ पढ़ाती रही, बजट हमने सुन लिया था 1 फरवरी को, पर लगातार उनको दोहराया गया कि बजट में ये था, बजट में ये था, फिर घोषणाएं हुई 20,70,000 करोड़ की घोषणाएं हुई, उनमें से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कितने पैसे का इंतजाम हुआ? खामोशी, 1 भी रुपया नहीं दिया गया। ये बसें उन्होंने देने की बात कही, यूपी सरकार ने मना नहीं किया, अगर मना किया होता तो आप कहते मना ही तो है, 3 दिन से राजनीति हो रही है, बस स्टार्ट नहीं हुई। ये संदीप जी आप अपनी पसंद की मैं जो मेरा पक्ष तो ले लेना, आप सवाल भी करें और जवाब भी आप अपने मन मुताबिक मांगे, ये नहीं नहीं, नहीं मैं सवाल पूछता हूँ, मन मैं जवाब जवाब नहीं चाहिए मुझे, मैं जवाब दीजिए 20,97,000 करोड़ में बताइए कितने रुपए हैं मजदूरों के लिए, बताइए तो मुझे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, बताइए तो उनको घर पहुँचाने के लिए 20,97,000 करोड़ रुपए में कितने पैसे? मजदूर सुन लीजिए, जो मजदूर गए हैं अपने राज्य में, मुझे बताइए 20,97,000 करोड़ में कितने पैसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आवंटित किए गए हैं, उस मद में रखे गए, कितने दिन बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ, रहेंगे खुली चुनौती है, शहनवाज हुसैन खाना भी देगी राज्य सरकार और वो भी SDRF स्कीम से, सेंट्रल गवर्नमेंट घुमा दिया ना सवाल का, उनको सवाल का जवाब घुमा दिया ना, नहीं है जवाब, नहीं घुमाया लेकिन जो लिस्ट सही है, अगर 879 बसें हैं सही, उन बसों में लोगों को क्यों नहीं भेजते? जनाब 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 संदीप जी,
अब तो मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी सरकार से सवाल करने शुरू कर दिया है। खैर, ये भी सवाल है कि ये क्या आगे भी ऐसे ही सरकार से सवाल करते रहेंगे या नहीं। वही करें या ना करें, हम तो ये सवाल सरकार से लगातार करते ही रहेंगे। अभी के लिए हम भी यही चाहते हैं कि मजदूर जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं वह सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।